नमस्कार, मैं महागुरु गौरव मित्तल। मई का महीना भरी धूप भरी गर्मी समाप्त होने को है। इस लास्ट सप्ताह में मई में दो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल बर्मावस वट सावित्री व्रत और शनि अमावस दोनों रहे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीक था जिसके अंदर ये दो व्रत करने से इनफैक्ट माना जाता है कि जैसे सावित्री ने अपने पति के प्राणों को रमयाज से रक्षा की थी, इसी तरीके से फीमेल्स के लिए अपने पति को सक्सेस के लिए उनके प्राणों की रक्षा के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट व्रत माने जाते हैं। और शनि जिनकी नेगेटिव से शनि की महादशा चलती है या शनि की साढ़े साते चल रही है, उन लोगों के लिए तो ये काफ़ी एक अच्छा सप्ताह था जिसमें वो शनि के अपने नेगेटिव इम्पैक्ट को दूर कर सकते थे। तो ओवरऑल अच्छा सप्ताह रहा। आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, थोड़ा सा जून और थोड़ा सा मई के महीने में जो ओवरलैप है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि को स्वामी है मंगल, शुभता ने मूंगा, शुभ दाश तीन मुख्य रुद्राक्ष, शुभ दिशा है दक्षिण की दिशा। इस सप्ताह भाग्य इस राशि के जातकों के साथ है। समय काफ़ी अनुकूल रहेगा, आय के अच्छे योग बन रहे हैं, कार्यस्थल पर प्रमोशन और प्रशंसा मिलने के भी प्रबल आसार हैं, ऑफिस में सीनियर्स और सहकर्मियों का भी साथ मिलने के प्रबल आसार हैं। शेयर मार्केट में इस सप्ताह में निवेश करना आपके लिए शुभकारी रहेगा। छात्रों को इस सप्ताह थोड़ा सा अधिक मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। सफलता पाने के लिए यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। शादीशुदा जीवन सुखमय रहेगा, जीवनसाथी से प्रेम में मधुरता बढ़ेगी, बिगड़े रिश्ते सुधर सकते हैं। अविवाहितों के लिए इस सप्ताह नए रिश्ते आ सकते हैं, परिवार के सदस्यों को आपका सपोर्ट मिलेगा, आप भी उनको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि इस सप्ताह आपको चोट लगने की आशंका है तो इस सप्ताह आपको ध्यान रखना है कि गाड़ी चलाते समय या फिर सड़क पार करते समय थोड़ी सावधानी बरतनी है। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। तो यदि देखा जाए तो सप्ताह एक नॉर्मल सप्ताह है। सप्ताह को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, जानते हैं इस बारे में। आपको गाय को रोटी खिलाना शुभकारी रहेगा। जब भी पॉसिबल हो सके मंदिरों में आप यदि मिठाई का दान करें, स्पेसिफिकली लाल कलर की मिठाई का दान करें, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाएं, यदि कहीं पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन में बैठे हुए हैं, तो आप अपनी जेब में से एक लाल रुमाल ऊपर की पॉकेट में, कमीज की पॉकेट में या फिर मेज पर रखें जिस मीटिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका प्रभुत्व बढ़ाएगा। आपको ये कोशिश करनी है कि आप मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पढ़ें, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी से आपको कोई भी चीज़ मुफ्त में लेना इस सप्ताह में अच्छा साबित नहीं होगा। तो आपको इंश्योर करना है कि आप कोई भी चीज़ जो अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है तो उसके एवज में आप रिटर्न गिफ्ट ज़रूर दें। आपको अपने दोस्तों को मिट्टी के बर्तनों का सामान या फिर कुछ तांबे के बर्तनों का उपहार देना या तांबे के उपहार देना, तांबे के आइटम्स का उपहार देना लाभकारी सिद्ध होगा। मैं महागुरु गौरव आपको आने वाला सप्ताह आप सभी जातकों के लिए, सभी राशियों के लिए शुभ रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।